और अब बात करेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बारिश से मचे हाहाकार की, जिसने गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक में तबाही मचाई हुई है। नदी नाले उफान पर हैं, पानी का बहाव कुछ ऐसा कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर वो आमादा हो। शहर की मुख्य सड़कें मानो नदी बन गई हो। शहर शहर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग राज्यों के वो मौसम के बिगड़े मिजाज को बताने को काफी हैं। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह देश के अलग अलग राज्यों में आसमान से बरसते पानी ने इंसानी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। बाढ़ बारिश से देश के कई राज्यों में हालात किस तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तस्वीरें इसका सबूत है। देश के चार राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र बाढ़ बारिश की भयानक मार झेल रहे हैं। और जो तस्वीरें इन राज्यों से सामने आ रही हैं वो हिला देने वाली हैं। इसका नीचे रिस्क है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के जलगांव की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए पानी के बहाव में किस तरह सैकड़ों किलो वजनी ट्रैक्टर बह रहा है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर ना होकर ये कोई खिलौना हो। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सड़क से ट्रैक्टर को अपने साथ बहा ले गया। हिलाकर रख देने वाली ये घटना गिरना नदी की है। हालांकि गनीमत रही कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सोमवार सुबह से गुजरात के नखत्राना में इतनी बारिश हुई कि हालात भयानक हो गए। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ नदी बह रही है या फिर कोई सड़क है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली नदियां अब सड़कों के ऊपर से बह रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके सामने कोई इंसान तो क्या, गाड़ी भी आ जाए तो उसे ताश के पत्तों की तरह पानी अपने साथ बहा ले जाए। तेज बहाव की वजह से सड़क का एक हिस्सा कटकर बह चुका है। और किसी भी समय बारिश की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बारिश जारी है जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। अब आपको नखत्राना शहर के इलाके की तस्वीर दिखाते हैं।
जहां सड़कों पर बारिश का पानी सैलाब बनकर बह रहा। बारिश के पानी की रफ्तार देखकर ऐसा लगता है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। पानी की इस रफ्तार के आगे जैसे स्थानीय लोगों ने सरेंडर कर दिया है। तभी तो आपको दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देगा, बस पानी का बहाव है और ऐसा लग रहा है जैसे नदी अपने उफान पर हो। गुजरात का सूरत भी प्रचंड बाढ़ बारिश का प्रकोप झेल रहा है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही, जिससे तापी नदी का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यहां भी तापी नदी खतरे के निशान पर बह रही और पानी का बहाव तेज होता जा रहा है। तापी नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव ने आसपास रहने वाले लोगों की फिक्र बढ़ा दी। लोगों को चिंता सताने लगी है कि अगर तेज बारिश नहीं रुकी और जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो बहुत भयानक तबाही का सामना करना पड़ सकता है। लगातार हो रही बारिश की वजह से दाहोड़ डैम भी दहाड़ रहा है। यहां दाहोड़ डैम पर जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। जिस वजह से पानी का बहाव पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालांकि खतरा होने के बावजूद लोग यहां मस्ती के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही, जिस वजह से यहां क्षिप्रा नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिससे उज्जैन में इंसान ही नहीं बल्कि भगवान के घर भी आफत आई हुई। क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट पर स्थित मंदिर डूब गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह कई मंदिरों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। जबकि कई मंदिर तो ऐसे हैं जो नदी के पानी में पूरी तरह डूब गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सावधान किया हुआ कि जहां तक हो सके अपने घरों में ही रहें। बाढ़ बारिश की वजह से कैसे इंसानी जिंदगी पर आफत आई हुई है, उसकी एक और तस्वीर आप देख लीजिए। यहां प्रशासन पानी में बहे एक ट्रैक्टर की तलाश में। दरअसल मोरबी के ढवाना गांव में एक ट्रैक्टर पानी में बह गया। जिसे तलाशा जा रहा। घटना के वक्त ट्रैक्टर पर कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें से 4 को सुरक्षित बचा लिया गया, बाकी लोगों की तलाश जारी। बाढ़ बारिश के कहर से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं। यूपी के गोंडा में बारिश से लोग बेहाल। लगातार हो रही बारिश की वजह से घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया, जिससे लोगों को इलाके में नाव लेकर निकलना पड़ रहा। यहां हालात इतने भयंकर हो चुके हैं कि घाघरा नदी का पानी अब घरों में घुसने लगा है। जिससे लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों के लिए मुश्किल ये है कि लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। बेहिसाब हो रही बारिश से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनका जीना मुहाल हो रहा है। सड़कों पर सैलाब की वजह से लोग अपने घरों में मानो कैद होकर रह गए हैं। मुश्किल यही कि बाहर ना निकलने की वजह से लोगों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। अब हम आपको हमारी जो अगली रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे किस तरह से बाढ़ और बारिश ने लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है और कब इस आसमानी आफत से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। और घर भी 4-5 चला गया है और रोड की तो हालत ही खराब हो गई है इधर की।
ये देखो हमारे राजगढ़ रोड की हालत, ये देख सकते हो कंडीशन। कुदरत के कहर से न मैदानी इलाके बचे न पहाड़। अभी कम हो गया। तबाही की ये तस्वीरें जम्मू के रामबन स्थित रामगढ़ की, जहां बादल फटने से भयानक तबाही आ गई। बादल फटने की वजह से नाले उफान मारने लगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक बादल फटने से एक महिला और उसके दो बच्चे तेज बहाव में बह गए। यहां तक कि एक स्कूल की बिल्डिंग भी बादल फटने की वजह से तबाह हो गई। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि नदी में गांव है या फिर गांव में नदी, क्योंकि नदी के पानी ने पूरे गांव को अपने में समेट लिया। ये तस्वीरें कच्छ के नारेडी गांव की हैं, जहां नदी का पानी घुसने से पूरा गांव प्रभावित हुआ। घरों में पानी घुसने से लोगों का घरेलू सामान खराब हो गया, और ऐसा इसलिए हुआ कि लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ बारिश की वजह से नदियों पर बने ब्रिज भी अब जवाब देने लगे। सोमवार को छोटा उदयपुर में भारज नदी पर बना ब्रिज धराशायी हो गया। हालात को देखते हुए ब्रिज से वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया। जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वो नदियों से दूर रहें, क्योंकि किस समय जलस्तर बढ़ जाए कहा नहीं जा सकता। गुजरात के अहमदाबाद लगातार बारिश की वजह से प्रभावित हुआ, जिस वजह से कई जगह अंडरपास बारिश के पानी से लबालब भरे, जिसे देखते हुए वहां वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। कुछ ही घंटों की बारिश में जिस तरह से शहर का हाल बेहाल हो जाता है, उसकी एक बानगी इस समय मैं जहां खड़ा हूं वहां पर आप देख सकते हैं। घुटनों से भी ऊपर जो है यहां पर पानी है, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आप चारों तरफ नजर दौड़ा लीजिए, आपको सिर्फ इसी तरह के हालात जो है वो नजर आएंगे। अहमदाबाद का बहुत पोश इलाका है, धरणीधर कहते हैं इसे, और उसका ये हाल है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से घुटनों के भी ऊपर पानी भरा हुआ है, और लोग इस तरह के पानी में से गुजरने के लिए मजबूर हैं। और ये जलजमाव जो है सुबह से ही इसी तरह से है, कई घंटे बीतने के बावजूद बारिश रुक रुक कर हो रही है, तब ये हालात है। अगर लगातार बारिश होती है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि पूरे गुजरात में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, और अहमदाबाद सहित तमाम जो जिले हैं वहां पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं। सूरत है, वडोदरा है, नवसारी है, वलसाड है, कच्छ है, मोरबी है, तमाम जगहों पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं, और हर जगह लगभग इसी तरह से जलजमाव की स्थिति पैदा होगी। और दिक्कत तब सामने आती है जब जल की निकासी नहीं हो पाती, और ये जो गटर का पानी आप देख रहे हैं ये बैक मार रहा है ये पानी, और जो गटर में से आ रहा है वो भी निकल के शहरी इलाकों में घुस रहा है। वलसाड में एनडीआरएफ की एक टीम बाढ़ में फंसे दो लोगों को बचाने के लिए निकली है। कुछ मिनट की दूरी तय करने के बाद बोट से एनडीआरएफ की टीम पीड़ित तक पहुंच गई। देखिए किस तरह जान बचाने के लिए ये बुजुर्ग शख्स एक पेड़ के सहारे बैठा था। यहां से एनडीआरएफ की टीम ने कुल दो लोगों को बचाकर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। गुजरात के नाडियाबाद की तस्वीरें भी देख लीजिए, यहाँ बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आया हुआ है, लोगों को घुटनों तक भरे पानी से निकलना पड़ रहा, कई जगह पर कार पानी में डूब चुकी है। सीतापुर के दर्जन भर से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं, क्योंकि यहाँ नहर में कटान हुआ तो पानी सीधे गाँव में घुस गया।
जिससे सैकड़ों एकड़ में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। हालात की गंभीरता को समझते हुए गांव के लोगों ने सुरक्षित जगहों पर निकलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा। गुजरात की अरावली में लोग अपने घरों से इसी तरह बाल्टियां भर भर कर पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही जिससे इलाके में जल जमाव हो गया। पानी की सही निकासी नहीं होने की वजह से बारिश का पानी अब घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। घरों में घुटनों तक पानी भर रहा है, इसके अलावा दुकानों में भी पानी भर रहा है। जल भराव की वजह से लोगों को एक से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात की तरह हालात राजस्थान में भी खराब है। यहाँ अजमेर में शनिवार से लगातार 24 घंटे बारिश हुई है, जिससे सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और बारिश के पानी की वजह से बर्बादी की कहानी सामने आ रही। सिंचाई विभाग के मुताबिक रविवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में 80 mm बरसात दर्ज की गई, जिससे आना सागर का जलस्तर 14 फीट 6 इंच तक पहुँच गया और पानी की निकासी जारी। वहीं फाय सागर झील 6 इंच ओवरफ्लो चल रही। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से कई क्षेत्रों में सड़कें लबालब हो गई, घरों में पानी घुस गया। लोगों को रात को ही पानी निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही। वडोदरा की सड़कों पर भी सैलाब आया हुआ है। मंजर इस तरह का है जिससे सड़क ना होकर ये कोई नहर हो। सोमवार सुबह वडोदरा में करीब 5 इंच तक बारिश हुई, जिससे शहर जलमग्न हो गया। सुभानपुरा इलाके में कई मकान बरसाती पानी में आधे डूब गए। बरसाती पानी के घरों में भरने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन कुदरती आफत को झेलने के अलावा फिलहाल लोगों के पास कोई चारा नहीं। लगातार हो रही बारिश ने गुजरात के सूरत की भी सूरत बिगाड़ दी। गुजरात में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण राज्य का दक्षिणी हिस्सा खासा प्रभावित नजर आ रहा। सूरत में तापी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण तापी नदी में पानी बढ़ गया, वहीं निचले इलाकों में भी पानी भर गया। गुजरात में इस समय जल प्रलय ने कहर बरपाया हुआ है। सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात सहित मध्य गुजरात के तमाम इलाके इस समय भारी बारिश से जूझ रहे हैं। कल से ही तेज बारिश की वजह से कई इलाके जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। अहमदाबाद की बात अगर करूं तो कल रात से ही यहां पर बारिश जारी है। रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन तेज बारिश हो रही है और उसकी वजह से कई जगह पर आप देख सकते हैं रिहायशी इलाके खास करके इस समय पानी से डूबे हुए हैं। ये रिहायशी इलाका है, आप देख सकते हैं गाड़ियां जो है वो उसके टायर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। सोसाइटी के गेट वगैरह जो एंट्री है वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। यहाँ पर लोग जो है वो आने से कतरा रहे हैं। कोई भी आता है और इस तरह का पानी भरा हुआ देखता है तो दूर से ही लौट जाता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो इस पानी के अंदर उतरे और आगे तक जाए। और जो इस तरह की हिम्मत कर भी लेते हैं उनके वाहनों की क्या हालत होती है वो अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि उनका वाहन जो है वो बिगड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।